की रफ्तार। हेलो। हाँ नितिन, मैं विजयराज बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे याद किया? भाई तुमसे मिलना था, तुम कल सुबह 10 बजे मेरे घर पे आ सकते हो? ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। ओके, सी यू टुमारो मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। जब तक मैं बोलूं नहीं, कोई कॉल्स नहीं देने मेरे को, और दो कॉफी भेज दो यहाँ पे। थैंक यू। हाउ आर यू नितिन? आई एम फाइन सर, थैंक यू। वक्त है ना तुम्हारे पास? हाँ जी भाई। बहुत दिनों से मैं एक बात तुम्हें कहना चाह रहा था। कैसी बात नितिन? विलास के साथ निकिता ने बहुत तकलीफें सही हैं, फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब विलास नहीं रहा तो वो टूट गई। हम सब ने उसकी इमोशनल सिचुएशन बहुत करीब से देखी है। एक औरत के लिए इस उम्र में विधवा हो जाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, पर ऐसे अकेलेपन में अगर वो कोई सहारा ढूंढे तो उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इंसानी जज्बातों को कौन समझ पाया विजयराज जी? मन है, भावनाएं हैं, तब तक तो ये बातें होती ही रहेंगी। और वैसे आजकल विधवा विवाह बड़े आसानी से हो जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा होने में कोई इतराज नहीं होता अगर विलास की कोई कंफर्म न्यूज होती। वो वापस भी आ सकता है। और सबसे इतराज की बात तो यह है कि वो सहारा निकिता योगेश में ढूंढ रही है। योगेश? ये कैसे हो सकता है सर? योगेश उसका देवर है, और निकिता ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, उसके संस्कार को जानता हूं। नितिन, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। फिर भी मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं है सर। ये बात दिल से नहीं दिमाग से सोचने की है। तुम्हारा दिल इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो एक भाई का दिल है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मैंने जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है, रिश्ते देखे हैं, रिश्तेदारी देखी है। इस घर में क्या हो रहा है मुझे सब मालूम है। मैं बिना वजह उस पर आरोप नहीं लगा रहा। अगर वो तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहू है। मेरी बात समझने की कोशिश करो नितिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वी बोथ हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मेरी बात समझ रहे हो ना? निकिता के बारे में मैं, इसमें योगेश की भी गलती हो सकती है। मैं सिर्फ तुम्हारी राय जानना चाहता हूं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं क्या राय दे सकता हूं सर, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है। क्या? तुम निकिता को अपने साथ अपने घर ले जाओ। जयराज जी, हमेशा के लिए नहीं, मैं जल्द से जल्द योगेश की शादी कर दूंगा और उसके बाद वो वापस आ सकती है। बात वो नहीं है सर, मेरा घर निकिता का घर है, वो जब भी चाहे मेरे पास आकर रह सकती है, चाहे तो उम्र भर मेरे साथ रह सकती है। लेकिन इस वक्त मैं उसे क्या कहकर ले जाऊं सर?
कैसे मानेगी वो? आप योगेश को समझाते क्यों नहीं, या तो फिर हम दोनों मिलकर दोनों को समझाएं? वो बच्चे नहीं है जो उन्हें समझाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि बड़ों और छोटों में फासला कम हो जाए, और मैं उनके ऊपर ये कभी जाहिर नहीं होने देना चाहता हूं कि मुझे उनके बारे में पता है। बेहतर यही होगा कि तुम निकिता को ले जाओ। सर, चार पांच दिन की बात होती तो मैं जरूर ले जाता, लेकिन यह बात कुछ और है। सर, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आपने जो कुछ भी बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है सर, थोड़ा समय दीजिए। चलो, ओके, आई डेफिनेटली हेल्प यू सर। करेले की सब्जी और कोई दूसरी सब्जी नहीं मिली आपको? मन देखे लेकिन कोई मुंह, और वो भी इतना तेल। पता है योगेश को करेले की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं ऑफिस में खाना खाते भी हैं या नहीं। आइंदा आप खाना नहीं बनाएंगे, मैं बनाऊंगी। हाँ, कॉफी तैयार है? है ना। नहीं, वो नितिन तो चला गया। चला गया? हाँ, उसे कोई जरूरी काम था। हेलो विजयनाथ जी, नमस्ते, मैं नितिन बोल रहा हूँ। हाँ नितिन, बोलो। सर, मैंने आपकी बात पे सोच लिया, मैं आज शाम को निकिता को ले जाऊंगा। देखो नितिन, इस बात को अपनी या अपनी बहन की इंसल्ट मत समझना। अरे नहीं सर, मैं इसे इंसल्ट नहीं समझ रहा हूँ, मुझे आपके और मेरे दोनों खानदानों की प्रतिष्ठा का ख्याल है। सर, ये जो कुछ हो रहा है वो तकदीर की बात है, और ये बात वक्त पर समझ में आई, ये तकदीर की मेहरबानी, और इस बात को वक्त से पहले रोकना हमारा फर्ज है। थैंक यू नितिन, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। सर, थैंक यू, क्या बात है सर। ओके सर। दामू काका, हेलो। दामू काका? क्या दामू काका, आप भी कमाल करते हैं कभी कभी। 10 दिन के लिए कितना सामान भेज दिया। 20 मिनट की दूरी ही तो है मेरे मायके और ससुराल में, और आपने इतना सामान भिजवा दिया जैसे कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ।
क्या बात है, आप बड़े गुमसुम लग रहे हैं। अरे कुछ भी तो नहीं, शादी के बाद पहली बार इतने दिन तक मेरे साथ रहोगी। बचपन की सारी यादें नजर के सामने से गुजर गईं। नितिन भैया, तुम्हारी उदासी कुछ अलग लग रही है। तुम उस भाई की तरह उदास हो जिसकी बहन को हमेशा के लिए ससुराल छोड़ना पड़ रहा हो। अरे नहीं रे पगली, तेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो। चिंता छोड़ो भैया, मेरे साथ कभी ऐसा हो भी नहीं सकता। वो मेरा घर है। टोली में बैठकर गई थी, अर्थी परी बाहर जाऊंगी। वक्त क्या हुआ है? टाइम 8 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, योगेश आ गया होगा। पता नहीं उसकी नाइट ड्रेसेस लॉन्ड्री से आई या नहीं, मैं पता लगाती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो, दामू को देख लेंगे। दामू काका क्या देखेंगे, मेरे सिवा वहां योगेश की कोई भी चीज किसी को भी नहीं मालूम है। हेलो मानसी। जी भाभी। मानसी, योगेश आए हैं क्या? नहीं, वो आज फिर लेट आएंगे। अच्छा अच्छा मानसी, दामू काका से कहना योगेश के कपड़े लॉन्ड्री से मंगवा लें। और हाँ, उनकी पर्सनल कबर्ड की चाबियां मैंने बेड के लेफ्ट कॉर्नर में रखी है। ओके ओके। सुन, उनका नया इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है ना, वो कबर्ड के ड्रॉयर में रखी है। और उनका नया गोल्डन फ्रेम ग्लासेस है, वो कबर्ड के ब्राउन वाले कोट में रखी है। ओके और कुछ? नहीं और कुछ नहीं। योगेश आए तो कहना कि मैं यहाँ हूँ। कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ याद नहीं है। मैं भैया से कह दूंगी, वो आपको फोन कर लेंगे, आप उन्हें ही बता दीजिएगा, ठीक है? उन्हें जरूर बता देना कि फोन करे। ओके ओके भाभी, बाय। ओके बाय। मैं नहीं हूं तो योगेश को बहुत प्रॉब्लम होता है। निकिता, ये विकी क्या करता है? विकी ज्यादातर अहमदाबाद वाली प्रेस संभालता है, वो कभी कभी यहाँ आता है। तो क्या तुम सब लोगों का इसी तरह ख्याल रखती हो? नहीं भैया, ख्याल रखने का मौका ही नहीं मिलता। दामू काका सबकी सेवा में लगे रहते हैं। तो दामू काका योगेश का ख्याल नहीं रखते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगेश का सारा रूटीन इतना बिजी है, मुझसे जितना बने मैं ख्याल रखती हूँ कि कहीं वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए। शायद वो आ गया होगा। रहने दो निकिता, वो आ जाएगा तो करेगा फोन। निकिता, एक कप चाय पिलाओगी? पता नहीं कितने दिन गुजर गए तुम्हारे यहाँ की चाय पिए बगैर। जरूर भैया, मैं अभी लेके आती हूँ। थैंक यू डार्लिंग। निकिता, निकिता। योगेश बाबू, क्या हुआ? क्या कुछ चाहिए? निकिता कहाँ है? वो तो मायके चली गई। क्या? हाँ, नितिन बाबू आए थे ना, वही तो उन्हें ले गए। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने तो सारा सामान बांधा। आपको कुछ चाहिए? नहीं। तो फिर चाय ले आऊं? नहीं नहीं, तुम जाओ। ठीक है। हाँ। थैंक यू निकिता। ये लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाय। थैंक यू वेरी मच। अरे ये फोन को क्या हुआ? पता नहीं, ये प्लग भी निकला हुआ। होता है ऐसा कभी कभी। निकिता, मुझे अब तक डायबिटीज नहीं हुई। डायबिटीज? इसमें शक्कर ही नहीं है। ओह सॉरी भैया, दीजिए मैं अभी दाद कर लेकर आती। अरे नहीं नहीं, नहीं दो, आज मैं ऐसे ही पी लूंगा।
अरे निकिता हाँ? नहीं बहुत ही कड़वी है, थोड़ी शक्कर ले आओ। ठीक है। हेलो हेलो नितिन, योगेश बोल रहा हूँ, जरा निकिता को फोन देना। अरे निकिता जरा मार्केट गई है। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो उसे कहना मुझे फोन करे। हाँ जरूर। हाउ आर यू योगेश? नॉट टू बैड, बाय। बाय। हेलो विक। हेलो योगेश, मैं जूली बोल रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओके जूली, गिव मी सम टाइम, मैं एक घंटे में उसी रेस्टोरेंट में पहुँचता हूँ। मैं राह देख रही हूँ। डोंट वरी, मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। जूली, जूली, जूली लिसन, अरे लिसन जूली, वे आर गोइंग, कम ऑन जूली, वेट। अरे क्या हुआ? आई नो तुम मुझसे मिलने आई हो। अरे जब मिलने आई हो तो मिलो ना, शर्म आती है। कम ऑन, डोंट फील शाय, कम ऑन। नो जॉर्ज, मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। फ्रेंड? मैं भी तो तुम्हारा फ्रेंड ही हूँ। देखो जूली, हम दोनों कितने दिनों के बाद मिले, और वैसे भी हमें अकेले मिलने का मौका मिलता है कहाँ। Hey, Julie. Come on, let's have a drink. Yeah? Yeah.